नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर और असम में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उच्चतम न्यायालय में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मालिकाना मामले में विभिन्न याचिकाओं की सुनवाई आज। सरकार आज युवा उद्यमियों को राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार प्रदान करेगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और 1984 के दंगों के याचिकाकर्ता एचएस फुल्का का पार्टी से इस्तीफा। और क्रिकेट में सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का शानदार प्रदर्शन, चेतेश्वर पुजारा दोहरे शतक की ओर। समाचार प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर और असम का दौरा करेंगे। वे मणिपुर में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और अनेक योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोरहे में एकीकृत जांच चौकी की पट्टिका के अनावरण सहित दुलाई थाबी बराज परियोजना, साबोबंग में भारतीय खाद्य निगम के खाद्य भंडार, थंगल सुरंग में पारिस्थितिकी पर्यटन परिसर और विभिन्न जल आपूर्ति योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 400 किलोवाट की सिलचर इम्फाल डबल सर्किट लाइन जनता को समर्पित करेंगे। श्री मोदी इम्फाल में धनमंजूरी विश्वविद्यालय के आधारभूत विकास और खेल सुविधा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री पूर्वी इम्फाल जिले के हापताकंग में जनसभा को संबोधित करेंगे। एवंशा शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। सिलचर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद श्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर के 2 दर्जन से अधिक दौरे कर चुके हैं, लेकिन बराक घाटी की उनकी यह पहली यात्रा है। भारतीय जनता पार्टी सूत्रों के अनुसार 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए पूर्वोत्तर में पार्टी के अभियान की शुरुआत सिलचर की इस रैली से होगी। ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में पूर्वोत्तर के लिए किए गए विकास कार्यों के आधार पर आगामी चुनाव के लिए वोट मांगेंगे। बीते 4 वर्षों में एक्ट ईस्ट की नीति के तहत उत्तर में अवसंरचना विकास के कार्य बहुत तेजी से हुए हैं। इनमें केवल असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 विशाल पुलों का निर्माण, राज्य में 6 नई रेल परियोजनाओं की शुरुआत और हवाई संपर्क को बेहतर करने के काम शामिल हैं। रितेश पाठक, आकाशवाणी समाचार, सिलचर। उच्चतम न्यायालय आज राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मालिकाना विवाद मामले में अनेक याचिकाओं की सुनवाई करेगा। ये मामला प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ के समक्ष विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर को यह तय किया था कि जनवरी के पहले सप्ताह में एक सक्षम पीठ इन याचिकाओं पर विचार करेगी और मामले की सुनवाई का कार्यक्रम तय करेगी। विभिन्न हिंदू संगठन विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण शीघ्र किए जाने के लिए अध्यादेश जारी करने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सुझाव दिया था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बारे में अध्यादेश लाने का निर्णय न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किया जा सकता है। उनके इस बयान को देखते हुए उच्चतम न्यायालय में आज की सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कहा है कि खाद्य कारोबारियों को पैकेजिंग के नए नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों में पुनर्चक्रित प्लास्टिक के उपयोग और अखबारी कागज में खाद्य सामग्री को पैक करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये प्रतिबंध 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। कल जारी एक विज्ञप्ति में प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी पवन अग्रवाल ने बताया है कि पैकेजिंग के नए नियम भारत में खाद्य सुरक्षा के मानकों को उच्च स्तर तक ले जाएंगे। नए नियमों में खाद्य सामग्री को पुनर्चक्रित प्लास्टिक से बने पैकेटों में रखना या भंडारण करना प्रतिबंधित होगा। सरकार ने कहा है कि देश की ऊर्जा आवश्यकता पूरी करने के लिए बिजली संयंत्रों के कोयला स्टॉक और उन्हें कोयले की आपूर्ति में बढ़ोतरी की गई है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि पिछले वर्ष के मुकाबले ये लगभग 25% अधिक है। घरेलू कोयला आपूर्ति में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए बिजली संयंत्रों में पिछले साल 31 दिसंबर तक कोयला भंडारण 1,60,00,000 टन से ज्यादा था, जबकि दिसंबर 2017 में ये 1,30,00,000 टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय आज नई दिल्ली में 3रा राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार समारोह आयोजित करेगा। ये पुरस्कार युवा उद्यमियों को सम्मानित करने के लिए दिए जाते हैं जिन्होंने उद्यमिता प्रणाली को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष कुल 43 पुरस्कार दिए जाएंगे। 39 पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े युवा उद्यमियों को और 4 पुरस्कार उद्यमिता विकास में योगदान करने वाले लोगों को दिए जाएंगे। पुरस्कार के अंतर्गत ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 5 से 10 लाख रुपए तक की नकद राशि दी जाएगी। महिलाओं, दिव्यांगों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, सीमित अवसरों वाले क्षेत्रों के उद्यमियों के लिए विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता HS फुल्का ने कल पार्टी से इस्तीफा दे दिया। श्री फुल्का 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि वे आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी छोड़ने का कारण स्पष्ट करेंगे। 2015 में पंजाब को हिला देने वाले धर्म विरोधी मामलों के आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग पर दबाव डालने के लिए वकील से राजनेता बने श्री फुल्का ने अक्टूबर में आम आदमी पार्टी के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभाओं में विपक्ष के नेताओं के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद कल पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता JP नड्डा ने कहा कि श्री राजनाथ सिंह और श्री विनय सहस्त्रबुद्धे मध्य प्रदेश के लिए पर्यवेक्षक होंगे। उन्होंने कहा कि श्री अरुण जेटली और अविनाश राय खन्ना को राजस्थान के लिए तथा केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत और पार्टी के नेता अनिल जैन को छत्तीसगढ़ के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। उच्चतम न्यायालय ने मेघालय की एक खदान में पिछले 22 दिनों से फंसे 15 लोगों की तलाश के लिए किए जा रहे बचाव कार्यों पर असंतोष व्यक्त किया है। न्यायालय ने राज्य सरकार से कहा है कि खदान में फंसे लोगों को हर हालत में बाहर निकाला जाए। सरकार की तरफ से पेश वकील ने इनके बचाव के लिए किए गए प्रयासों के बारे में न्यायालय को जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले को 100% विद्युतीकृत जिला घोषित किया गया है। राज्य के बिजली विभाग ने बताया है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के अंतर्गत 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। पासीघाट बिजली डिवीजन ने बताया कि पहले से छूटे हुए 2662 घरों को विद्युतीकरण पिछले साल दिसंबर के अंत तक कर दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घिब्रिसस ने भारत की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इस योजना के तहत पहले 100 दिन में लगभग 7 लाख लोगों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया गया है। एक ट्वीट संदेश में श्री घिब्रिसस ने सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की। पश्चिमी दिल्ली के सुदर्शन पार्क क्षेत्र में कल रात रसोई गैस सिलेंडर फटने से 7 लोगों की मौत हो गई। इस विस्फोट के कारण वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा एक भवन ढह गया। पुलिस ने बताया कि 18 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और उन्हें आचार्य भिक्षु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छत के पंखों की एक फैक्ट्री का मालिक भी घायलों में शामिल है। समुद्री तूफान पाबुक के आज दोपहर के आसपास अंडमान सागर में पहुंच जाने की आशंका है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि यह चक्रवात रविवार शाम तक अंडमान द्वीप समूह को पार कर जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इसके प्रभाव से अंडमान द्वीप समूह में कल शाम से कई स्थानों पर बारिश और कुछ एक जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने मछुआरों को सलाह दी है कि वे सोमवार तक समुद्र में न जाएं। चक्रवाती तूफान फाबुक को देखते हुए अंडमान निकोबार प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। शहीद और स्वराज द्वीप सहित अन्य स्थानों पर जाने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए परामर्श जारी किया गया है। जिला उपायुक्त उदित प्रकाश राय ने बताया कि सभी जिला अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है। स्थिति पर निगरानी बरती जा रही है। राष्ट्रीय आपदा मोचक बल की एक अतिरिक्त कंपनी को तैनात कर दिया गया है। तटरक्षक सहित सभी एजेंसियों को सूचनाएं दे दी गई हैं और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए M. मुसीन के साथ पोर्ट ब्लेयर से मैं राकेश चंद्रलाल। नई दिल्ली के सिरी फोर्ट में आज से 10 दिन तक चलने वाले पैनोरमा फिल्म समारोह शुरू होगा। इस दौरान कुल 26 फीचर फिल्में और 21 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे समारोह का उद्घाटन करेंगे। 14 तारीख तक चलने वाले समारोह का आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म समारोह निदेशालय ने किया है।
प्रीमियर बैडमिंटन लीग में कल अहमदाबाद में सुंग जी ह्यून ने ओलंपिक पदक विजेता कैरोलिना मारिन को पराजित कर दिया। कल खेले गए मैचों में चेन्नई स्मैशर्स ने पुणे 7 एसेस को 4-3 से हरा दिया। आज शाम 7 बजे अहमदाबाद में अहमदाबाद स्मैश मास्टर्स का मुकाबला अवध वॉरियर से होगा। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत ने ताजा समाचार मिलने तक पहली पारी में 5 विकेट पर 412 रन बना लिए थे। चेतेश्वर पुजारा 193 रन और ऋषभ पंत 38 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत ने आज सुबह 4 विकेट पर 303 रन से आगे खेलना शुरू किया। चेतेश्वर पुजारा ने कल अपना 18वां टेस्ट शतक बनाया। 4 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह। धन्यवाद विमलेंदु। शबरीमला मंदिर में प्रवेश के मामले को लेकर केरल बंद के दौरान हिंसा अखबारों की अहम खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, मंदिर में प्रवेश पर हिंसा में 1 की मौत, 250 घायल। तमिलनाडु में भी 60 लोग गिरफ्तार, 25 बसें रद्द। युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में कथित लाइब्रेरी बनाने के अमरीकी राष्ट्रपति के बयान पर दैनिक जागरण का शीर्षक है, ट्रंप के तंज पर भारत का पलटवार, गिनाए अफगानिस्तान में अपने काम। अस्पताल और संसद जैसे भवन बनाने में भारत ने खर्च किए हैं $3 अरब। भारत हर वर्ष लगभग 1,500 अफगानी विद्यार्थियों को दे रहा है छात्रवृत्ति। जलंधर में विज्ञान कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर जनसद्दा के शब्द हैं, प्रधानमंत्री ने दिया जय अनुसंधान का मंत्र। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के बाद अब जय अनुसंधान। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के बारे में केंद्र सरकार के बयान को जनसत्ता ने सुर्खी दी है, निर्वाचन आयोग चाहे तो लोकसभा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव साथ साथ। केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में चर्चा का दिया जवाब, संसद में सदस्यों के हंगामे के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर हिन्दुस्तान लिखता है, लोकसभा में शोर मचाने पर 2 दिन में 45 सांसद निलंबित। 8वीं कक्षा तक फेल न करने की नीति में बदलाव को संसद की मंजूरी पर दैनिक जागरण की टिप्पणी है, नहीं पढ़े तो होंगे फेल भी। लोकसभा के बाद राज्यसभा ने विधेयक पर लगाई मुहर। डेटा चोरी के नए खुलासे पर रिपोर्ट के हवाले से दैनिक भास्कर कहता है, अगर आपके मोबाइल फोन में फेसबुक इंस्टॉल नहीं है तो भी फेसबुक तक पहुंच रहा है आपका डेटा। 14 देशों में डेटा बेचने के आरोप झेल रही फेसबुक दूसरे ऐप के जरिए भी डेटा चुराती है। और अब विज्ञान, हिंदुस्तान की सुर्खी है, पहली बार चांद के उस पार पहुंचा चीन का यान। पृथ्वी से ना दिखने वाले चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर रखा कदम, एटकन घाटी की तस्वीरें सामने आईं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर और असम में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उच्चतम न्यायालय राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मालिकाना मामले में विभिन्न याचिकाओं की आज सुनवाई करेगा। सरकार युवा उद्यमियों को आज राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार प्रदान करेगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और 1984 के दंगों के याचिकाकर्ता एचएस फुल्का ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और क्रिकेट में सिडनी टेस्ट के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, चेतेश्वर पुजारा दोहरे शतक की ओर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।